स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का महामानव अस्थि कलश कुमार हट्टी में लाया गया ताकि क्षेत्र के लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देकर आशीर्वाद हासिल कर सकें। इस मौके पर कुमार हट्टी में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा में सर्वधर्म के अनुयायी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर कसौली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ठाकुरदास शर्मा और जिला अध्यक्ष शिव कुमार ने कहा कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का अस्थि कलश आज कसौली ब्लॉक पहुंचा है, जहां सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने बताया कि स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के द्वारा किए गए कामों को प्रदेश के लोग कभी नहीं भुला पाएंगे। यहाँ आज शोक सभा कर रहे हैं, सब अपने श्रद्धांजलि देंगे और कल इनको कौशल्या नदी के अंदर हम इसका विसर्जन करेंगे। सभी लोग दूर दूर से यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ पुरुष और महिलाएं सभी लोग, ये नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है तो इसलिए सभी इसके पार्टी के लोग, सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ और राजा साहब को जितना हम इस समय याद कर रहे हैं, ये उनकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उनका इस तरह से जाना, जिस तरह से वो हम सबके बीच से चले गए, सभी को अखर रहा है। वक्त ये विडम्बना है भाग्य की कि आज हिमाचल प्रदेश ने एक बहुत बड़ा हीरा खो दिया है। हिमाचल प्रदेश के लोग उनकी याद में, उनकी स्मृति में जो कलश यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें सभी लोग अपना हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। आज मैं ज़्यादा ना बोलता हुआ अपने श्रद्धा सुमन उस महान नेता की स्मृति में समर्पित करता हूँ, अपने नमन समर्पित करता हूँ और उनके परिवार को एक शक्ति को सहने की ताकत भगवान दे, ऐसी कामना करता हूँ। जीवन का अंत मृत्यु है, जीवन का अंत जो है वो संबंधों का अंत नहीं। संबंध जो है कांग्रेस पार्टी के, जैसे राज साहब ने आम लोगों के साथ बना के रखे थे, जिस तरह से आम लोगों के बीच उनकी भेंट थी, कांग्रेस के ऐसे ही संबंध आम लोगों के साथ बने रहेंगे। यही उनके प्रति हम लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि है।